2000 के नोट पर बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक 2000 के नोट वैध। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे, G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पहलवानों के समर्थन में शनिवार को किसानों की बैठक, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक होगी किलाबंदी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, सायकाल कथा में सीएम योगी ने की आरती। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मंत्री अजय मिश्र टेनी बरी, मृतक के भाई बोले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक में सांसद विधायक और पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर उन्होंने कहा कि जनता के बीच में संगठन के लोग ठीक से नहीं पहुंच पाए। अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, हमारी सरकार के काम, हमारे वैचारिक विषय, रचनात्मक हो, सेवा के काम हो, लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच में है। चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी हो, योगी जी हो, या जो भी हमारे लोग हो, पार्टी के शीर्ष नेता हो या भाजपा जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हो, लगातार पूरी पार्टी जनता से जुड़े विषयों पर जनता के बीच में। खबर अलीगढ़ से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप तक लगे हैं। इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को दलित परिवार के गर्भवती महिला को बाहर निकाल दिया गया। महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद गांव की महिलाओं ने गर्भवती को नजदीक की झाड़ियों में ले जाकर उसकी डिलीवरी कराई और बच्चे का जन्म भी कराया। परिवार की महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वो गर्भवती को स्वास्थ्य केंद्र लाए तो उनसे से मांगे गए और जब उन्होंने रुपए नहीं होने की बात कही तो उनको बाहर तक निकाल दिया गया, जिसके बाद बच्चे को एक खुले स्थान पर जन्म देना पड़ा। जब हॉस्पिटल में लेकर थे जहाँ आए जी, पैसे मांगे उन्होंने जी। पैसे कितने मांगे? 1000। 1000 रुपए? और क्या बोला? लीगल ले जाओ, नहीं तो। अच्छा, नहीं तो लीगल ले जाओ। हाँ। अच्छा, बच्चा कहाँ पे हुआ था? यहाँ हुआ, रोड पे हुआ है, झाड़ियों में। रोड पे? झाड़ू में हुआ था, रोड पे। हाँ। अच्छा, और आपने क्या बोला डॉक्टर से? कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला। हम आगे यहाँ से वहाँ से घर से लेके आए डिलीवरी जी, और डिलीवरी लेके आए तो यहाँ दिखाया हमने तो उन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ से ले जाओ जी, ले जाओ, ये डिलीवरी हम नहीं कर पाएंगे। किसने बोला यहाँ से ले जाओ? हमारी बहन का नाम तो हम जानते नहीं है। पैसा भी मांगा था? कितना रुपया मांगा था? 1000 रुपया मांगा इन लोगों ने। 1000 रुपया मांगा था। हरदोई के बिलग्राम नगर के दो बंद मकानों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां ये चोरियां 7 और 10 मई को दो अलग अलग मकानों से हुई है, वहीं दोनों परिवार अपने घरों को बंद करते हुए रिश्तेदारी में गए थे। पुलिस को मिली दो चोरी की सूचनाओं से नगर में हड़कंप मच गया। वह पुलिस ने दोनों चोरियों का 24 घंटे में खुलासा करते हुए दो छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। SP राजेश त्रिवेदी ने बताया कि बिलग्राम पुलिस ने बंद मकानों में दो अलग अलग हुई चोरियों का खुलासा किया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर चोरों को घेराबंदी करते हुए महज 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया है। चोरी की गई थी, इस संबंध में मेरे द्वारा ऑपरेशन सुरंग चलाया गया और SOG स्क्वाड सभी को लगाया गया। इसी बीच थाना पुलिस बिलग्राम को सूचना मिली कि इस चोरी से संबंधित अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में है और पुलिस द्वारा घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया, पूछताछ की गई और लगभग सारा माल बरामद कर लिया गया है। भारी संख्या में चांदी और सोने के जेवरात में नकदी मिली है, मोबाइल फ़ोन मिला है। एक दो अभियुक्त एहसान और शाकिब हैं, जो कि विगत कई सालों से चोरी का काम कर रहे हैं, कई बार गिर जा चुके हैं। इनको विरुद्ध इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य कोई चोरी की घटना इन्होंने जनपद में की होगी तो सतला।
संबल में असमोली पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने के बाद उसके शव को खेत में ठिकाने लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए इस हत्याकांड के बारे में पुलिस तक को बताया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस के पूछताछ में बताया कि 15 दिन पहले अपने गाँव के नाबालिग को पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने गाँव के जंगल में मक्के के खेत में ले गया था, वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। विगत दिनांक 5 मई को थाना असमोली के ग्राम राया बुजुर्ग में निवासित आकिल पुत्र किफायतुल्ला ने थाने पर आकर सूचना दी कि दिनांक 4 मई को उनका पुत्र लापता हो गया है, जिस संदर्भ में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके पश्चात 14 तारीख को उस बालक का कंकाल मक्के के खेत में प्राप्त हुआ, जिसका पीएम के पश्चात पंचायत तमाकारा के शव भेजा गया था। तत्पश्चात खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी। इससे यह ज्ञात हुआ कि गांव के ही एक बालक द्वारा यह कार्य किया गया है और उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि दुष्कर्म के पश्चात उसने उस बालक की गला दबाकर हत्या की थी। हिरासत में लेकर उसे अन्य पूछताछ की जा रही है, शीघ्र ही उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से है जहां विकास खंड के ग्राम पंचायत भटौला में ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर पर वितरण को लेकर गड़बड़ी की गई है। बता दें कि राशन डीलर के खिलाफ संपूर्ण समाधान दिवस में 3 बार शिकायती पत्र देते हुए डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी, हालांकि अभी तक कोई भी कार्रवाई तक नहीं की गई है। साथ ही बताया गया है कि 31 राशन कार्ड डिलीट करा दिए गए हैं, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे और आपूर्ति निरीक्षक सज्जन लाल गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर कटने की समाधान दिवस में शिकायत की गई थी और मेरे द्वारा मौके पर आकर जांच की गई है। जिन लोगों के राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं उनमें से अधिकतर अपात्र हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं उनके कार्ड जारी भी कराए जाएंगे। आपके यहाँ राशन डीलर कौन है? अशोक कुमार। तो राशन डीलर में क्या दिक्कत आ रही है आपको? कभी चार्ज ले लेते हैं, कभी अंगूठा पहले लगा लेते हैं, तो बाद में जो परेशान करते हैं। तो इसकी आपने संबंधित अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत की है। कहाँ शिकायत कर चुके आप? शिकायत साहब तहसील दिवस में करी है। ये हिसाब मतलब इसकी कोटे की समस्या है और जो है मतलब ये कि जो मतलब बेचारे बूढ़े लोग थे, हमें तो जो भी कुछ मिल गया, कम मिल गया, बढ़ते मिल गया, और मतलब ये कि हम तो उस बात पे मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अच्छा, आपके गांव वालों द्वारा क्या शिकायत है डीलर की, क्या समस्या आ रही है गाँव वालों को आपके? गाँव के वही राशन की मतलब समस्या है और मतलब ये कि उल्टा सूदा बोलना, कम बढ़ती भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, पर जो मतलब इंसानियत से मिल जाए सही है। समस्या ये है साहब, हमें राशन हर बार कम देते थे बहुत पहले से। राशन डीलर कौन है आपका? अशोक कुमार। कितने समय से कम दे रहे हैं? अरे बहुत पहले से, कई साल से कम ही दे रहे थे, यानी 5 किलो में 4 किलो राशन दे रहे थे। और हमने जब शिकायत करी उनसे कई, मन क्या भाई हमें तुम यार राशन पूरा क्यों नहीं देते, मन के तुम हमें हमेशा कम ही देते हो राशन, तो उन्होंने जो है इसी बात पर जो मेरा राशन कार्ड काट दिया। आपका राशन कार्ड काट दिया जी? आपने शिकायत है? शिकायत नहीं की आपने? करी हमने शिकायत। कुछ हुआ? कुछ ना हुआ, एक बार जांच आई फिर कुछ ना हुआ उसमें। कोटे की समस्या आया था, कोटा हमें टाइम पर नहीं मिलता अनाज, और लेकिन हम जब लेने जाते थे तो कम देता था, और जब कम देने की हमने शिकायत करी तो हमारे कार्ड काट दिए गए। अच्छा, जैसे सरकार द्वारा 5 किलो वितरण कराया जा रहा तो आपको एक यूनिट में 5 किलो नहीं मिलता यहाँ पर? जी नहीं। कितना देता हमें? तो हमें किसी को नहीं मिलता। कितना देता डीलर? 4 किलो, और नापने में भी जो है मतलब जैसे 15 किलो वो नापने में देगा तो जो चार वो बैठेगा 13 किलो या 14 किलो, 13 किलो 14 किलो कम बैठता जी, 15 किलो देने के बाद भी उपरांत भी जो बैठता 13 किलो 14 किलो। तो आपने शिकायत की आदमी का? आपने शिकायत की? हमने शिकायत की उसमें तहसील दिवस में। कितने दिन पहले? लगभग हो गए 2 महीने। कोई समाधान हुआ आपका? समाधान कुछ नहीं हुआ जी। कोटे में हमारा राशन कार्ड काट दिया, और जिनके जिन पर जमीन है 20 बीघा उनका कार्ड नहीं कटे हैं, और जिनको सरकारी नौकरी है उनके कार्ड नहीं कटे हैं, और हमारे पास 2 बीघा जमीन है, हमारा कार्ड काट दिया। समस्या ये है, राशन कार्ड दिया हमारा, राशन मतलब नहीं मिल। आपका राशन कार्ड काट दिया गया? किस नाम से आपका कार्ड बना? क्यों काटा गया आपका कार्ड, क्या वजह रही इसकी? वजह ये थी, शिकायत की थी हमने भाई, राशन कम क्यों दे रहे हो हमें। अच्छा, आपको जो है राशन कम दिया जा रहा था जिसकी आपके द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत करने बाद आपका कार्ड काट दिया गया? पता नहीं चली, हमने जब राशन लेने गए जब पता चलेगा आपका नाम इसमें से काट गया लिस्ट में से। अच्छा, राशन कितना देते हैं आप? राशन मिल जाता वही 20 किलो। कितने
खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के पिपरी महार गांव में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वह चोरी की आशंका जताते हुए राजस्थान राज्य के लगभग 2 दर्जन महिलाएं और पुरुष के जत्थे को ग्रामीणों ने बंधक तक बना लिया था। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने राजस्थानी मूल के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुलिस को इन लोगों के पास से लाखों रुपए का कैश और भारी मात्रा में जेवरात तक बरामद हुए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वही बाराबंकी जिले के फतेहपुर वन रेंज क्षेत्र के भगहर झील का वन विभाग के अफसरों ने पहुंचकर निरीक्षण किया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने साफ सफाई व्यवस्था के मद्देनजर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहां झील पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा महादेवा इको पर्यटक स्थल पर मौजूद पौधशाला में लगे टावर को देखते हुए अफसरों ने बेंच टेबल और आगंतुकों के बैठने के लिए बनाई गई गोल झोपड़ी को भी देखा। वही पौधशाला में उगाई गई नर्सरी को अधिकारियों ने देखते हुए बताया कि जुलाई महीने तक लोगों को नर्सरी मौजूद पेड़ उचित मूल्य पर भी मिल सकेंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां बीती 17 तारीख को लापता नाबालिग युवक का दुद्दूपुर नहर में शव मिला है। वहीं इस बात की खबर परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम तक के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार के लोगों ने गांव के कुछ लोगों पर संदेह किया है, साथ ही परिजनों के आरोप पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खबर हरदोई से है, जहां पाली थाना क्षेत्र में कलश यात्रा के लिए जल भरने गए दो युवक गर्रा नदी में बैजूपुर गांव के पास डूब गए थे, जिनके शव को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर चार युवक गर्रा नदी में नहाने गए थे, जो नदी के गहरे पानी में जाकर डूबने लगे और युवकों को डूबता देख वहां मौजूद बैजूपुर निवासी किसान ने दो युवकों को तो बचा लिया, लेकिन दो युवक डूब गए, जिनके शवों को गोताखोरों की मदद से अब निकाल भी लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धार्मिक आयोजन के संदर्भ में चार बच्चे जो है नदी से पानी लेने के लिए आए थे, जिसमें दो बच्चे तो तुरंत निकल गए और दो बच्चे की युवक थे, दोनों के डूब गए थे, जिससे लगातार प्रयास जारी था पुलिस और प्रशासन का कि जिससे बॉडी रिकवर कर जाए। आज ये अभी दोनों बॉडी प्राप्त हुई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हालात हैं इस समय, प्रशासन की क्या व्यवस्था चल रही है? अब बॉडी रिकवर हो गई है, पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं, हालात एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है, जहां खेतों में तेंदुआ कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। वहीं आज पशुओं के लिए घास काटने गए किशोर पर तेंदुए ने हमला कर दिया और किशोर गंभीर रूप से घायल तक हो गया, जहां तेंदुए के आतंक से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि पूरे मामले में वन विभाग की टीम ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। बता दें कि सहरामाऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के सोंधा गाँव का ये पूरा मामला बताया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो